मुंगेर में घर के अंदर तहखाने में चल रही मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। अर्धनिर्मित पिस्तौल सहित हथियार बनाने के कई उपकरण को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस को चकमा देकर धंधेबाज फरार। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने दी जानकारी। दरअसल मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री संचालन की गुप्त सूचना पर मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने मुफस्सिल थाना के स्पेशल टास्क फोर्स को निर्देश दिया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुबारकचक बगीचा में मोहम्मद मिस्टर के घर छापेमारी करें। जिसके बाद पुलिस के द्वारा मोहम्मद मिस्टर के घर पर छापेमारी की गई, जहां छापेमारी की भनक लगने पर धंधेबाज मोहम्मद मिस्टर मौके से भागने में सफल रहा। वहीं इस दरमियान पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो घर के नीचे तहखाना में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जहां से हथियार बनाने के कई उपकरण बेस मशीन के अलावा एक अर्धनिर्मित पिस्तौल भी बरामद हुई है। वहीं मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि अवैध हथियार निर्माण की सूचना पर पुलिस ने मुबारकचक बगीचे में स्थित मोहम्मद मिस्टर के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार हो गए। हालांकि तलाशी के दौरान घर के नीचे तहखाने में मिनी गन फैक्ट्री मिली है, जहां हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाले कई उपकरण के अलावा एक अर्धनिर्मित पिस्तौल मिला है। साथ ही बताया गया है कि संबंध में मोहम्मद मिस्टर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस मोहम्मद मिस्टर की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR दर्ज कर जो हम लोगों ने सीज किया है और नाम भी सामने आया है उसमें कि किस कौन वहां पे बना रहा था, उसको हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। मुफस्सिल थाना में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR दर्ज कर जो हम लोगों ने सीज किया है और नाम भी सामने आया है उसमें कि किस कौन वहां पे बना रहा था, उसको हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे।